तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार कलसी फिर से आपका स्वागत करता हूं कलसी एसोसिएट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने जड़ से मकान लेकर आ गए हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दो जड़ से मकान बनाए गए हैं। ये हमारा 90 स्क्वायर यार्ड का हमारा प्लॉट था जिसका फ्रंट आपका 24 फीट का आपका फ्रंट था। तो ये इसमें हमने दो आपके मकान बनाए गए हैं। ऑन पेपर आपका ये 45 स्क्वायर यार्ड रहेगा, 50 स्क्वायर यार्ड सुपर एरिया रहेगा। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं दोनों की तरफ फ्रंट गेट लगाए गए हैं और मकान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दो मकान आपको जड़ से मिल जाएंगे, दो मंजिल बने हुए। और ये आप देख सकते हैं वाइड आपका पार्किंग का गेट रहेगा और आपकी काफ़ी स्पेशियस आपकी पार्किंग रहेगी। इस तरफ हमारा गेटेड ये गली रहेगी, वाइड आपकी 20 फीट की रोड रहेगी और गेटेड रहेगी। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी और इस तरफ से भी आपका गेटेड रहेगी। और स्ट्रेटेड ये हमारा उत्तम नगर मोहन गार्डन आपका आर ब्लॉक में ये रहेगी। तो काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री और सभी फैसिलिटीज़ के साथ आपको दिल्ली जल बोर्ड, गैस पाइपलाइन, BSES मीटर सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे ही मैं अपने गेट से एंट्री करूँगा तो हम अपने पार्किंग में आएंगे। तो पार्किंग आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड पार्किंग आपको मिलेगी, बड़ी से बड़ी गाड़ी आपकी लग जाएगी। फॉसलिंग इसमें हमने आपको करके दे रहे हैं, लाइटिंग आपको करके दे रहे हैं, BSES मीटर प्लस आपका इसमें आपको एक आपको MCB बॉक्स वगैरह मिल जाएगा और इसमें भी आपको वाइड गेट मिल जाएगा। इसको आप अगर ओपन करेंगे तो आपकी गाड़ी इन और आउट हो जाएगी और वैसे आपके आने के लिए ये रास्ता रहेगा। फेसिंग की बात करूँ तो नॉर्थ फेसिंग का ये हमारा प्लॉट रहेगा, ये हमारा नॉर्थ फेसिंग का, दोनों जो बिल्डिंग रहेंगी नॉर्थ फेसिंग की रहेंगी। और काफ़ी अच्छा मैप इसमें बनाया गया है फ्रेंड्स। और ये पार्किंग से जैसे ही जस्ट हम अंदर आएंगे तो एक आपको वन रूम सेट मिलेगा और सबसे पहले आपको एक वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम आप देख सकते हैं, बॉटम टू रूफ आपको टाइल्स मिलेगी, फॉल सीलिंग लाइट्स और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो। और इसमें फ्रेंड्स अभी हमारी फिटिंग्स पेंडिंग है, आपको बिल्कुल प्रॉपर रेडी करके मिलेगा ये वॉशरूम और साइज़ काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और ये हमारा नीचे एक रूम मिल जाएगा आपको, इस तरफ अभी वॉलपेपर हमारा पेंडिंग है। और फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी और आपको सभी फैसिलिटीज़ इसमें हम आपको देंगे, फ़ैन भी आपको लगा कर देंगे। इसमें आपको एक विंडो मिल जाएगी, ये हमारी विंडो रहेगी, दोनों तरफ आपको पल्ले मिल जाएंगे मिरर के और आपके जाली के। उसके बाद फ्रेंड्स स्पेस आप देख सकते हैं, एक फैमिली नीचे भी आपका रह सकती हैं। उसके बाद पीछे की तरफ हमारी स्टेयर्स रहेंगे और स्टेयर्स के नीचे आपका वाटर सेक्शन रहेगा। स्टेनलेस स्टील की आपकी रेलिंग रहेगी, ग्रेनाइट पत्थर रहेगा, यहाँ पर आपका वाटर मोटर लगेगी और फ्रेंड्स पावर के स्विचेस आपको मिल जाएंगे और स्टेयर्स में भी हमारी लाइटिंग रहेगी। चलते हैं अपने अपर ग्राउंड फ्लोर पर। तो फ्रेंड्स अभी मैं स्टेयर से अपने फ्लैट की तरफ अपने जो ऊपर अपर ग्राउंड में जो फ्लोर है उसमें आ चुका हूँ। वैसे ये जड़ से मकान रहेगा आपका और इसमें खास बात अगर रहेगी कि अगर आप इसके बाद ये दो मंजिल बना हुआ है, तीन और चार मंजिल भी अगर आप बनाएंगे तो उसके बाद आप उसको रेंट आउट करेंगे तो तब भी ये सेपरेट रहेगा, क्योंकि ये स्टेयर्स आपकी बिल्कुल सेपरेट रहेगी। इसके बाद आपकी ही एंट्री रहेगी और इसके ऊपर वाले फ्लोरों की एंट्री आपकी यहीं रहेगी, तो आपका बिल्कुल सेपरेट रहेगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, फ्लोर्स भी बन सकते हैं इसमें अगर आप देना चाहते हैं इंडिविजुअल रेंट पे। और ये घर का भी पूरा आपको लगेगा अगर आप पूरी फैमिली एक भी रह रही है, अदरवाइज़ आप अलग अलग फैमिलियाँ भी इजी रह सकती हैं। तो ये एंट्री जैसे करेंगे तो नॉर्थ फेसिंग की तरफ मेरा फेस रहेगा, तो मैं एंट्री जैसे ही करूँगा तो अपने ड्राइंग रूम में आऊँगा। और फ्रेंड्स इसमें 11 फीट वाइड आपको ये आपको ड्राइंग रूम मिलेगा और काफ़ी अच्छा साइज़। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इसमें आपको वॉलपेपर मिलेगा, इसमें ऊपर आप फॉल सीलिंग फ़ैन आपको इसमें मिल जाएगा। अभी कुछ काम हमारे पेंडिंग हैं वो आपको करके मिल जाएंगे। नीचे आपकी फ्लोरिंग जो रहेगी विट्रीफाइड टाइल्स रहेगी। इसके बाद ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम रहेगा, इसमें आपका ड्राइंग रूम बेडरूम सबको ये आपको कॉमन वॉशरूम मिलेगा, काफ़ी अच्छा साइज़। वाटर टू रूफ आपको टाइल्स वर्क मिलेगा और इसमें जो भी वर्क होगा काफ़ी अच्छा ब्रांडेड वर्क होगा। इसमें सभी जो यूज़ किया जाएगा मटेरियल सब काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाएगा, सभी इसमें फिटिंग्स मिल जाएगी आपको, सीट्स, वॉश बेसिन, गीज़र के पॉइंट्स, शॉफ्ट सभी इसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये हमारी एक किचन रहेगी और किचन का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ इसमें मिल जाएगा।
आपको 8x8 का साइज स्क्वायर में मिलेगा। और फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं 3 से 4 लोग इजी वर्क कर सकते हैं। ऊपर की तरफ वुडन का प्रॉपर वर्क किया गया है, फॉल सीलिंग आपको अगेन मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको चैनल मिल जाएंगे और फ्रेंड्स ये भी आपको काफ़ी अच्छे साइज के मिल जाएंगे, जो कि आपकी पूरी मॉडुलर किचन रहेगी। और बड़े कंटेनर्स के लिए आपकी ये स्पेस रहेगा, ये सिंक रहेगी, हॉट कोल्ड डायरेक्ट वाटर की टैब, एक आरओ की टैब मिल जाएगी। ऊपर की तरफ भी आपको सभी स्पेस मिल जाएगा, आपकी काफ़ी स्पेस इसमें आपको मिल जाएगा। तो किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपकी चिमनी रहेगी जो भी हम लगा कर देंगे आपको। और फ्रेंड्स किचन काफ़ी अच्छा वेंटिलेटेड किचन रहेगा आपको चिमनी के साथ। तो फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं अपने बेडरूम में। ये हमारा अगेन बेडरूम रहेगा और ये आपका 11x9 का ये बेडरूम रहेगा, काफ़ी स्पेशियस। और ऊपर की तरफ अगेन काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वॉलपेपर इसमें आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये विंडो रहेगी, विंडो भी आपका काफ़ी अच्छी विंडो मिल जाएगी, वेंटिलेशन के लिए आप नीचे यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका एसी का ये रहेगा तो वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। नॉर्थ फेसिंग का रहेगा, आपको मॉर्निंग में आपको धूप भी मिल जाएगी। और ये हमारी एक बैल्कनी रहेगी, बैल्कनी भी आपकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी। इसमें आपका फ्रंट एलिवेशन प्रॉपर टाइल्स की रहेगी, उसमें आपको पेंट वर्क बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया बन जाएगा, एक टैब और एक पावर का स्विच मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जट से मकान था, अब हम चलते हैं अपने रूफ़ की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हमारी रूफ़ रहेगी, रूफ़ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपकी मोमटी रहेगी और उसके ऊपर आपका एक वाटर टैंक रहेगा। वाटर टैंक आपको 1000 लीटर का रहेगा और इसमें फ्रेंड्स आपका 2 पाइप आपका फ्यूचर के लिए दे दिए गए हैं, 2 मंजिल आप इसमें इजी डाल सकते हैं, पाइपिंग आपकी ऑलरेडी कर दी गई है। और फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं पिलर के साथ ये हमारी बिल्डिंग है, 8 से 9 पिलर इस बिल्डिंग में पूरे आपके डले हुए हैं, आप यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं। उसके बाद आपकी स्टेनलेस स्टील की आपकी रेलिंग रहेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा जट से मकान बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, कुछ ही काम इसमें पेंडिंग है और ये हमारा सेल के लिए अब आ चुका है। फ्रेंड्स अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर कॉल करें और प्राइस के लिए भी आप हमें कॉल करें, आपको प्राइस बताया जाएगा। बिल्कुल काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा विद लोन के साथ, लोन इसमें आपको 80% ईजी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स रेजिडेंशियल एरिया में मोहन गार्डन उत्तम नगर द्वारका मेट्रो स्टेशन से आपका 1.25 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस रहेगा, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल एरिया में। अगर आस पास अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे तो आपके आसपास फ्लोर्स और हाउस ये आपके आसपास रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी लोकेलिटी रहेगी, रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपकी गली के बाहर गेटेड रहेगी, गेटेड सेफ्टी आपकी रहेगी, बाहर निकलते ही आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे। तो सभी फैसिलिटीज़ मार्केट हॉस्पिटल क्लिनिक स्कूल्स सभी आपके आसपास रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा उत्तम नगर मोहन गार्डन में जट से मकान, इसमें आपके दोनों अभी अवेलेबल हैं, 90 स्क्वायर यार्ड में आपके 2 मकान, ऑन पेपर आपका 45 स्क्वायर यार्ड और सुपर एरिया 50 स्क्वायर यार्ड में ये बिल्कुल रेडी हैं, कंप्लीट हैं। तो कार पार्किंग के साथ, लोन के साथ, रजिस्ट्री के साथ बिल्कुल रेडी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर कॉल करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीक में 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगी, तो हो सकता है आपका सपना घर आपको जल्दी मिल जाए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आशीष मार्केट से फिर से लेता हूं आपसे इजाज़त। हरे कृष्णा।